બેન બો મત ફોન કરશે આજે પ્રેયર બોલો. મેન્ડી ઓકે હા શરૂ કરો. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? हेलो. आज हम एक बहुत अच्छा पाठ समझने जा रहे हैं जो आप जैसे बच्चों के बारे में ही ये लेसन है कि आप में कैसे गुण होने चाहिए. जो हम में अच्छे गुण हो वो बचपन से ही होते हैं, बड़े होकर हम में कोई फर्क नहीं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बचपन से जो हमारे घर के हमारे परिवार के संस्कार जो होते हैं वही हम में हमेशा रहते हैं. तो वो कैसे होने चाहिए? सब में अच्छे गुण होने चाहिए, बराबर है. ऐसे ही कुछ हमारे पास सब क्वालिटी सब होती है, लेकिन हमें सभी के साथ कैसे रहना चाहिए ये व्यवहार यदि हमें न आए तो वो सारी क्वालिटीज है ना वो जीरो है, बराबर है. तो इसके लिए ये लेसन हम जो आज समझने जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा लेसन है, आप सबको भी इसमें बहुत मजा आएगा. तो लेसन नंबर 3 जो है हमारा वो है सच्चा हीरा. तो सच्चा हीरा लेसन जो है उसमें चार लड़कों के बारे में बताया गया है कि एक लड़का जो है वो बहुत अच्छा गाता है तो उसकी माँ उसके ऊपर गर्व महसूस करती है. दूसरा बच्चा है जो बहुत बुद्धिशाली और होशियार है तो उसके ऊपर उसकी माँ बहुत गर्व करती है, गर्व भरी बातें करती है. और तीसरा लड़का जो है वो बहुत शक्तिवान और बलवान है, बहादुर है, तो उसके बारे में उसकी माँ भी बहुत गर्व महसूस करती है. चार औरत जो थी उसमें जो चौथी औरत थी ना वो कुछ नहीं बोलती है तो सब देखने लगते हैं. सभी तीनों औरत जो थी वो उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि क्यों तुम कुछ नहीं बता रही अपने बेटे के बारे में, तुम्हारे बेटे में कोई क्वालिटीज नहीं है? तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे में के बारे में क्या बताऊं, वो तो एकदम सीधा साधा है. तो चलो आज हम देखते हैं इस लेसन को सच्चा हीरा. प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है. अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है. तो इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है. हमें पता है कि कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत होशियार होते हैं पढ़ाई लिखाई में अदर एक्टिविटीज में, परंतु दुख की बात तब होती है कि वे किसी की पीड़ा या दुख दूर करने में वे रुचि नहीं लेते हैं. तो इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होते हैं पर वो दूसरों की दुखों में दुखी और दूसरों के सुख में सुख मानते हैं. तो उनमें उच्च दर्जे का सेवा भाव ज्ञान होता है. वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे होते हैं और सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लेता है. तो एक दिन की बात है, एक गांव में सूर्य अस्त हो रहा था. पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे. नीड का मतलब होता है
क्या होता है नीड का मतलब पता है आप सबको? हेलो, नीड का मतलब क्या? घोसला, उस तो आप गुजराती में जेने कहे ने माळो, पक्षी नो माळो, इन्हें हिंदी में नीड पण कहेवाय छे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। जगत का मतलब क्या होता है कि कुएं की आसपास बैठने की जगह जो एकदम पक्की, हम आप गुजराती में जेने ओटलो कहे, એમ ચારે બાજુ ફરતી બેસવાની ઓટલા જેવી જગ્યા હોય છે, તો ઉસકે ઉપર બેઠે બેઠે ચારો ઓરતેજ થી વો આપસ મેં ઇધર ઉધર કી બાતે કરને લગી। બાતચીત કરતે કરતે બાત બેટો પર જા પહોંચી। કોઈ ભી માં હો ઉસકા બેટા યદિ કોઈ ભી ક્ષેત્ર મેં આગે હો, હોશિયાર હો, તો ઉસકી માં કો ઉસ પર ગર્વ હોતા હૈ, હોતા હૈ ના, સબકી માં કો હોતા હૈ, હૈ ના। तो यदि हम मस्तीखोर और तूफानी है तो हमारी माँ किस बात पर गर्व करेगी? हमेशा सबके कंप्लेन ही सुनती रहेगी बेचारी, है ना। तो हमें कैसा बनना चाहिए? हमें होशियार और एकदम से समझदार बनना चाहिए। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंचे। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। एक औरत की उम्र कैसी लग रही थी? बड़ी लग रही थी। सब में से वह चारों औरतों में से बड़ी थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, तो लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। क्या हुआ कि वह चारों औरतें जो कुएं की पक्की जगह पर बैठी थी, वह चारों आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा जो है वह बहुत अच्छा गाता है, तो उसका कंठ बहुत सुंदर है और मधुर है, और वह कोयल और मैना को भी चुप करा दे, ऐसा अच्छा गाना गाता है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे, और उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, और वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, और मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ भी पढ़ता है वो उसे एकदम से याद कर लेता है, और ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। दूसरी स्त्री जो थी वह भी अपने बेटे का बेटे की तारीफ करने लगी और कहने लगी कि मेरे बेटे की तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो तो इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि बड़े बड़े बहादुरों को भी वह पछाड़ देता है, और आधुनिक युग का भीम, यानी कि आप सब ने कौरव और पांडवों की स्टोरी सुनी होगी, सुनी है ना। हेलो बॉयज, हेलो, कौरव और पांडवों की स्टोरी सुनी होगी। तो पांडवों में जो पांच पांडव थे उसमें से एक भाई जो था वो बहुत बहादुर और शक्तिशाली था, जिसमें माना जाता है कि 10 हाथी की शक्तियां उसमें थी। तो वो कहता है कि मेरा बेटा भी एक आधुनिक युग का भीम जैसा बहादुर है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भी कैसे चुप रहती? वह भी बोल उठी कि मेरा बेटा जो है वो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति का मतलब होता है कि बुद्धि के देवता, यानी कि बुद्धि के देवता, और देवों का भी देव माना जाता है। वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से याद रख लेता है, और ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन,
तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। सब सब स्त्रियां जो थी वो अपने अपने बेटों के बारे में बता रही थी कि मेरा बेटा, एक मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, दूसरी कहती है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर और शक्तिशाली है, और तीसरी औरत कहती है कि मेरा बेटा बुद्धि, एक बार जो कुछ भी पढ़ ले उसे सब याद रह जाता है, इतना बुद्धिशाली और होशियार है। तो इन तीनों स्त्री ने अपनी अपनी बात बता दी अपने अपने बेटे के बारे में। तो वो चौथी स्त्री को पूछ रही है कि तुम क्यों कुछ नहीं बताती अपने बेटे के बारे में। तो वो चौथी स्त्री कहती है सहजता से कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, यानी कि क्या तारीफ करूं, वो न तो गंधर्व सा गायक है और न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। गंधर्व क्या होता है? हेलो, पता है किसी को गंधर्व का मतलब? हेलो, यस मैम, देवलोक के गायक को गंधर्व कहते हैं। देवताओं के पास जो गाता है उसे गंधर्व कहता है कि उसके उसके गाने की कंपलसरी कोई नहीं कर सकता, सॉरी कम उसकी। तो वो गंधर्व इसे कहते हैं कि देवों के गायक, तो उनके जैसा वो गायक है और न तो वो भीमसा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब खड़े सिर पर रख कर लौटने गए, तभी स्त्री किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। जब वह सब वहां से पानी भरकर घर तक घर की ओर जा रही थी, तो उसे एक सुंदर सा मधुर सा गाना सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया। इतने में ही दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया और दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान किए बिना ही चला गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक से तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकलता है और उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। और तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, यानी कि एकदम खुश होते गदगद स्वर में, यानी कि खुश होते हुए एकदम अत्यंत एकदम आनंदित होकर बोली कि देखो यही मेरा गोद का हीरा। सभी स्त्रियां जो थी, तीनों स्त्रियां, वह अपने बेटे को हीरा कह रहे थे कि मेरा हीरा गा रहा है, मेरा देखो यह मेरे गोद का हीरा है। और तीसरी स्त्री भी कहती है कि देखो यह मेरा लाडला बेटा जो है जा रहा है, वो शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो वह भी अपनी माँ की ओर देखे बिना ही चला जाता है। तो उनसे थोड़ा आगे चलती है वह तीनों, तो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला और वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। सभी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में तारीफ कर रही थी तो वो चौथी स्त्री कुछ नहीं बोली थी, लेकिन जब उसके पास आया तो वो कहने लगी, देखो बहन यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आता है और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा।
तीनों औरत बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री की ओर बेटे को देखती रही और एक वृद्ध महिला जो बहुत दूर से इन तीनों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी तो पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो ये तीनों स्त्री जो थी वो अपने अपने बेटे के बारे में बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन जब वो तीनों स्त्री अपने ऊपर पानी के भरे हुए घड़े के वजन लेकर जा रही थी, फिर भी वो तीनों औरतों में से किसी ने उसकी माँ की, तीनों लड़कों में से किसी ने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं। और जब ये चौथा लड़का जो था, जिसके बारे में उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं कहा था, वो उसकी एकदम से तारीफ करने लगता है और कहने लगता है, सॉरी, उसकी माँ की ओर आता है और उसकी माँ से कहता है कि लाओ माँ, मैं पानी से घड़ा उतार कर वो अपने सिर पर रखकर चल पड़ता है। तो अपनी माँ को उसने अंदर दया भाव थी, प्रेम था, तो ऐसा लड़का होना चाहिए। यदि आप में कोई भी क्वालिटीज हो, लेकिन आपको किसी के प्रति कोई दया भाव ना हो और दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होने की यदि आप में आप कोई रुचि नहीं लेते हो या कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो आपकी सभी क्वालिटीज है ना, वो जीरो है। तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए इस लेसन ऊपर से कि अपनी माँ भी हमारे घर में बहुत सारा काम करती है ना, सुबह से जागती है तब से कि रात को सोने तक। फिर भी आप सब क्या करते हैं, बैठे बैठे माँ से सब काम करवाते हैं, अपनी माँ से करवाते हैं ना, मम्मी से। हेलो बॉयज, हेलो हेलो बॉयज, हेलो, यस मैम। हाँ, फिर भी आप सब बैठे बैठे मम्मी से सब काम करवाते हैं ना, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, आज मेरे लिए ये खाना क्यों पकाया, मुझे ये नहीं पसंद है, मेरे लिए दूसरा पका दो, सब करते हैं ना आप सब भी ऐसा। तो हमें अपनी मम्मी को या अपने रिलेटिव्स को या परिवार के किसी भी सदस्य को हमें दुखी नहीं करना चाहिए और उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए, बराबर है। आपको अपनी मम्मी डैडी या दादी चाची जो कुछ भी आप सबके घर में हो, उन सबकी हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, बराबर है। अभी तो आप सब स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, ट्यूशन भी शायद नहीं जाते होंगे, तो घर पे रहकर क्या करते हैं, मस्ती या अपनी मम्मी को हेल्प कराते हैं। हेलो, करते हैं मम्मी की हेल्प सब? यस, वेरी गुड, ओके। चलो, तो आप सबको पता है ना कि मैंने बताया था कि इस बार हिंदी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, वो कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी, गुजराती या इंग्लिश में, बराबर छे। हेलो बॉयज, हेलो, सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस मैम। ओके, तो मेहंदी एक तुम ही आंसर दे रहे हो, बाकी सब क्या कर रहे हैं? मैम मैं आंसर दे रहा हूँ। कौन, सुफियान है? एन मोहम्मद। एन मोहम्मद, बाकी सब कहाँ गए? शबर क्या कर रहा है? हेलो, हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, आप सबको पता है ना, मैंने अभी क्या बताया, चलो कौन बताएगा। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है उसके आपको आंसर लिखने हैं, बराबर है। इसके बाद अब है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, तो उसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। उसमें है नंबर 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था, सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया और बाकी सब ने क्या किया, अनदेखा करके सब चले गए। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा।
और इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। नंबर दो, अपने घर में आप माता पिता और कौन कौन से माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ और इन चीजों में शाक सब्जी दवाई फल अन्य वस्तुएं भी होती हैं। घर की साफ सफाई में मैं माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाकखाने में या पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े को ला देता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ और इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में नान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता है। तो अपने ज्ञान और गुण को हमें अपने काम में या कर्म यानी कि काम में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। तो इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्द कोश में से ढूंढिए, लिखिए। तो बप्पा यानी कि पिता, सॉरी पहले हम इसके जो शब्द दिए हैं वो समझ लेते हैं। पहला शब्द है बपोति, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान, अमन। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये सब जो शब्द दिए हैं ना उसके तुरंत ही आपके मन में कौन से शब्द आते हैं उन शब्द को बताना है और उसके अर्थ को बताना है। तो पहला शब्द है बपोती। बपोती के तुरंत हमारे मन में कौन से शब्द है? बप्पा। तो बप्पा का मतलब है पिता। नंबर दो व्यथा, तो व्यथा तुर पीड़ित। नंबर तीन नियति, तो नियति इंद्र, तो यानी कि जितेंद्रिय यानी कि लंबी आयुष्य। प्रतिभाग उत्पादन कर, यानी कि जो भी फैक्ट्रीज हो या उसमें कोई भी चीज बनाते हैं तो वह उसका उत्पादन कर हो जाता है, बन जाता है। तो नंबर पांच शुल्क, शुल्क संबंधी यानी कि पैसा फीस। रुचित मनचाहा। सात बाटा हिस्सा। क्षमालु क्षमा करने वाला। उद्यानिकी यानी कि बाग बगीचे ने बाग बगीचे लगाने वाला। अमनस्क यानी कि अनमना। इसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न है वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है और इसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं और भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। तो इस प्रकार स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। नंबर दो, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। तो इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे का बल का बखान किया। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उनके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। नंबर चार, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है और न भीमसा बलवान,
और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। इसके बाद है निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है वह लिखिए। तो हू सेड द होम जे तुम्हारे इंग्लिश में आवे छे ने बेटा, तो एवी रीते यहाँ हिंदी में छे कि ये जो सेंटेंस हमें यहाँ पर दिया गया है वो कौन किसे कहता है। नंबर वन, यही सच्चा हीरा है। तो एक वृद्ध महिला ने चारों महिलाओं से, चार स्त्रियों से कहा। नंबर दो, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। जो आप सबको कैसे याद रखना है कि गाने के बारे में बताया जाए तो पहली स्त्री, और बहादुर और शक्तिशाली बताया जाए तो दूसरी स्त्री, और जो बहुत ही होशियार हो पढ़ाई लिखाई में तो वह कौन है, तीसरी स्त्री का बेटा है। तो सुनो मेरा हीरा गा रहा है वह किसने कहा था, पहली स्त्री ने, और यही है मेरी गोद का हीरा वह किसने कहा था, तीसरी स्त्री ने, अन्य के बारे में अन्य स्त्रियों से कहा था, और देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो ये दूसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा था। ओके, इसके बाद है हमें यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत समझते हैं। ओके, तो इस लेशन में आता है तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि काल के बारे में आप सब तो जानते ही हैं, जानते हैं ना कि काल किसे कहते हैं। हेलो, 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 यस मैम। हाँ, काल किसे कहते हैं कोई बता सकता है? किसको मैम? जैसे कि वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल। काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। तो हम भूतकाल किसे कहते हैं? जो क्रिया हो गई है उसका बोध होता हो तो उसे भूतकाल कहते हैं, और जो क्रिया होने वाली हो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। और जो क्रिया हो रही हो, चल रही हो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान काल कह सकते हैं। बराबर है? तो चलो इन तीनों के अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बराबर है? मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया, ये सब काम जो है वो पूर्ण हो गया है। तो ये सब कौन सा, किसका बोध कराते हैं कि क्रिया हो गई है, काम हो गया है, तो उसे क्या बताया जाएगा, वो कौन सा काल कहा जाएगा? भूतकाल। बराबर है? मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो ये सब भी भूतकाल के ही सेंटेंस हुए। इसके बाद है भविष्यकाल। तो जो प्रिया होने वाली हो ऐसा बोध कराते हो तो उसे भविष्यकाल की क्रिया बताते हैं। जैसे कि अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा, यानी कि अनुमान करना कि वह अभी बाद में करेगा। तो वे सब सेंटेंस जो है वह हमें कौन से काल का बताएगा, भूत करता है? भविष्य काल। तो यहाँ पर नीचे भी हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं कि जैसे कि माली बाग में फूल चुनेगा,
हम हिंदी सीखते हैं। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, मैं शिक्षक बनूंगा। कोमल कठी छठी कक्षा की ही छात्रा थी, अनिल कल पतंग उड़ाएगा। मैं बस में जा रहा था। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो सेंटेंस आते हैं वह है, वर्तमान काल किसे कहते हैं कि जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो मैं आंसर दे रहा हूँ, तो जो क्रिया हो रही है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज भी स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है, तो ये सब जो क्रियाएं है जो हो रही है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्तमान काल के दिए गए हैं शब्द, तो उस पर से हमें जो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं तो उन पर से हमें सेंटेंस बनाने हैं तीनों काल में। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया गया है खेलना, तो खेलना के वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल तीनों में हमें चेंजेस करने हैं शब्द को। मैं खेलता हूँ यानी कि वर्तमान, और भूतकाल मैं खेलता था, भविष्य काल मैं खेलूंगा, बराबर है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं कि सिक्स शब्द जो दिए गए हैं उसमें है पहला शब्द पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना। तो पढ़ना का मतलब तो आप सबको पता है कि पढ़ाई करना। उड़ेलना का मतलब है कि उलेचू, आपने कोई खाडो के वो भरायो हो तो इन्हें उलेची ने माथे पानी आपने बाहर काटता हो ने, तो इन्हें शू कहवा उड़ेलना। बाद में बटोरना यानी कि सब इकट्ठा करना, लिखना यानी कि लखो, सहलाना यानी कि कोई ने पंपाड़ो, और सराहना यानी कि किसी की खुशामत करना। तो पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। उसके बाद है उड़ेलना, मैं उड़ेलता हूँ, मैं उड़ेलूंगा, मैं उड़ेलता था। इसके बाद नंबर तीन बटोरना, तो मैं बटोरता हूँ, मैं बटोरूंगा, और मैं बटोरता था। उसके बाद है नंबर चार मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा, मैं लिखता था। उसके बाद है नंबर पांच मैं सहलाता हूँ, मैं सहलाऊंगा, और मैं सहलाता था। नंबर सिक्स सराहना, मैं सराहता हूँ, मैं सराहता था, मैं सराहूंगा। तो आप सबको ये पूरा लेसन समझ में आ गया बेटा? हेलो बॉयज, हेलो, यस मैम, सबको समझ में आ गया ना बेटा पूरा लेसन? तो इस लेसन की पीडीएफ मैंने आप सबको भेज दी है, बराबर है? हेलो हाँ, बट इसके मैंने एमसीक्यू और ऐप भी जो है वो नहीं भेजी है, तो अभी मैं इसके एमसीक्यूज ऐप भी और ये काल के तीनों प्रकार मैं आप सबको भेज रही हूँ। ओके बेटा, बाय। बाय मैम। हाय बेटा। अभी तो भेजा था आपने, भेजा था वो पूरा लेसन, भेजा था क्वेश्चन।